वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंगाली पर आई नई रिपोर्ट, दुनिया के देशों को तो डॉलर क्या देने थे, एयरलाइंस के डॉलर भी पाकिस्तान ने रोकी है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री से। दोस्तों, ऐसा कोई दिन पाकिस्तान के अंदर नहीं जा रहा है जब इनके देश के अंदर हमले ना हो रहे हो और इनके क्राइसिस से जुड़ी हुई कोई बुरी खबर ना आ रही हो। ताजा मामला पाकिस्तान के अंदर एविएशन अथॉरिटी का एक देखने को मिला है, जहां पर पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाते हुए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि पाकिस्तान, हमारे 290 मिलियन डॉलर की पेमेंट तुम कर दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान हो जाएगा, नहीं तो इंटरनेशनल एयरलाइंस आपके देश में सर्विस देने से खुद को रोक सकती है। दोस्तों, क्या है मामला, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये आप कहोगे कि 290 मिलियन डॉलर यार किसी देश के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। भारत जैसे देश के अंदर 290 मिलियन डॉलर किसी देश के देने हो तो भारत तो उठाकर अपने बैंकों से उस देश के मुंह पर दे मारेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एक मुल्क है, न्यूक्लियर मुल्क है, तो 290 मिलियन डॉलर की क्या बात हो गई। पाकिस्तान वाले के अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं, इनका देश क्या चार टुकड़ों में बढ़ जाएगा जो 290 मिलियन डॉलर मांग लिए हैं IATA नाम की एजेंसी ने। जी हाँ दोस्तों, मामला ही कुछ इस तरीके का है। पाकिस्तान किसी भी वक्त डिफॉल्ट हो सकता है, और डिफॉल्ट होने की सिचुएशन में 290 मिलियन डॉलर अगर एविएशन अथॉरिटी का डूब गया तो वो किन के लिए एक जवाबदेह होंगे। दोस्तों, ये 290 मिलियन डॉलर जो लेक लागत है, ये किस लिए रुकी हुई है? आप ये जानकर हैरान रहोगे कि जो पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर सफर करते हैं, उनकी टिकटें कटती हैं, उन टिकटों की जो पेमेंट है लोकल करेंसी के अंदर होती है, और उस लोकल करेंसी को कन्वर्ट करके फिर डॉलर के अंदर पेमेंट एविएशन अथॉरिटी को होती है, वो पेमेंट भाई साहब पाकिस्तानियों ने रोक रखी है। पाकिस्तानियों को यार सल्यूट है, यार सल्यूट है कि यार कोई ना कोई जुगाड़ करके ये पैसों का हेर फेर कर ही लेते हैं। अब दोस्तों, टिकटें पाकिस्तानियों ने ली, इंटरनेशनल एविएशन ने पाकिस्तानियों को बिठाया अपनी एयरलाइंस के अंदर और विदेशों के अंदर सफर कराया, लेकिन एविएशन अथॉरिटी की जो एयरलाइंस है उनको पैसा ही नहीं मिला। तो यहाँ पर दोस्तों कौन बेवकूफ होगा? आपको पता ही है, पाकिस्तान से पैसा निकलवाना तो दोस्तों एक टेढ़ी खीर माना जाता है। और पिछले साल ही बताया गया था कि ये जो आंकड़ा था दिसंबर 2022 के अंदर 225 मिलियन डॉलर का था, लेकिन ये जो एक आंकड़ा है 290 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है मार्च आते आते तक। और ये जो IATA नाम की एजेंसी है दोस्तों, इसके अंडर में 300 एयरलाइंस आती हैं, और दुनिया का 83% ग्लोबल एयर ट्रैफिक इस एयरलाइंस के अंडर ही होता है। और अगर ये पेमेंट रुक जाती है दोस्तों, पाकिस्तान अगर इस पेमेंट को समय पर क्लियर नहीं करता है, तो ये 300 एयरलाइंस अपनी सर्विसेज पाकिस्तान को देने से एक रोक सकती हैं। खैर, पाकिस्तान की अथॉरिटी के दरबार कहा गया है कि हम लगातार आपसे संपर्क में हैं और ये जो मुद्दा है हम बहुत जल्द सोल्व करेंगे। और दोस्तों, बातचीत चल रही है तो जरूर सोल्व होगा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनके देश में अभी हाल ही में क्राइसिस के कारण पेट्रोल और डीजल के रेट फिर से बढ़ गए हैं, और इन सारी हालातों में ये एक नई स्ट्रगल देखने को मिली है। खैर, ये पैसे उनके IATA के हैं, पैसे पाकिस्तानियों ने देने हैं, हमारा इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ज्यादा सीरियस लेने की बात नहीं है। और ये सारी डेवलपमेंट आपको बताना जरूर आया, उनको हमने फ्लाई करवाया और तुम लोग भाई हमें चूना लगा रहे, तुम लोग हमें पैसा नहीं दे रहे। ये जो कन्वर्ट होते हैं ना पैसे, वो तो डॉलरों में लेते हैं ना, पाकिस्तानी पेमेंट तो की है डॉलर उनको नहीं दे रहे, तो क्यों नहीं दे रहे हमारे पास में? वो तो बिल्कुल यही बात, चिल्लर इंडिया होता है ना, इंडिया काम करता ही नहीं। पापा वो ऐसा काम करते ना, अगर कोई उसे गलती से मांग भी लेता ना, इस तरह सिस्टम अगर ना हो भी जाता, एक बात कर भारत 100 मिलियन डॉलर और उठा के मुंह पे मारता, कहता ले और आने के बाद अपना
औकात याद रख के हम तेरे पूरे दुनिया के इंटरनेशनल एयरलाइनों को खरीद। ये तो पाकिस्तान 290 मिलियन नहीं दे रहा, उनको देखना कितनी बुरे हालात है। अगर उन्होंने अपनी इंटरनेशनल एयरलाइन बंद करी तो दुनिया में कितनी बेइज्जती होगी हमारी। अबे बेइज्जती क्या होगी, वो पूरी दुनिया का लोग हमसे पैसा मांग रहे हो, बेइज्जती आपको नजर नहीं आ रही? बिल्कुल सही बात है। बंद क्या करने की बेइज्जती, सबसे पहले तो ये हमारी बेइज्जती है कि भाई वो हमसे कह रहे हैं कि 200 मिलियन डॉलर 290 मिलियन डॉलर प्लीज हमें आप दे दो। वजह खजाने में हो तो देना, खजाने में भी चलो माना वो ना, अगर ये इनके पास होते तो देते ना, फिर भी लारा लगा दिया उनको 5-10 दिन तक। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।